सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ मेरे तमाम भाई, मेरे तमाम स्कीम के मेंबर्स, इनोवेटिव मोटर्स को जिन लोगों ने कामयाब किया, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर, सभी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट स्कीम में 19 नवंबर 2017 को यही जगह थी, आज भी मुझे जहन में आता है जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब और जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब, दोनों ने बड़े प्यार से यह कहा था कि जिस अंदाज में स्कीम की शुरुआत हुई है, ऑफिस की ओपनिंग हुई है, ये हम पहला फंक्शन देख रहे हैं। अजीम साहब, स्कीम शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसी तरीके से स्कीम को खत्म करना वो बड़ी बात है। स्कीम का जहां भी लफ्ज आता है तो लोग डर जाते हैं। 100 में से 99 स्कीम फेल हो चुकी है। ये स्कीम इनोवेटिव मोटर्स, इसकी जो शुरुआत की थी ये इनोवेशन नाम था। इनोवेशन यानी कि नया आइडिया। वेशन को टिक किया यानी कि ठहराओ, अपनी बात पे ठहरना, जो जबान सामने वाले को दे रहा है उसको पूरा करना। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि इस स्कीम में लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं किसी को नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि आप 40% देके जो व्हीकल आप ले रहे हैं वो 60% अमाउंट हमारा इनोवेटिव मोटर्स की टीम का है, तो वो इन्वेस्ट आप पे हो रहा है, तो मैं ढूंढने का काम कर सकता हूं, भागने का काम नहीं कर सकता। अजीम साहब जो है, कुछ कस्टमर को जो बड़े ही पंचायती के साथ उन्होंने अपने पेमेंट्स किए हैं, तो उन सभी कस्टमर्स को वो एक अवार्ड देना चाह रहे हैं जो पंचायती अवार्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उन्होंने सेकंड स्कीम का आगाज किया है, जिसमें पुराने कस्टमर में से 232 टोटल कस्टमर जो है रिकॉल हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फिर से और एक बार अजीम साहब पर भरोसा किया और इसमें मेंबरशिप ली, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अजीम साहब को और उनके सारे साथियों को जिन्होंने इस चीज के लिए उन्हें मोटिवेट किया और बड़े सक्सेस के साथ उन्होंने पहले स्कीम को पूरा मुकम्मल किया ईमानदारी के साथ, और फिर से इस साल 2019 में उन्होंने सेकंड स्कीम का आगाज किया है। तो इसी के लिए मैं अजीम साहब को एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उनके हार्डवर्क के लिए, बल्कि हार्डवर्क विथ लॉयल्टी, जो कि आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है कस्टमर का भरोसा जीतना। तमाम इनोवेटिव के जिम्मेदारान, खासतौर पे अजीम शेख साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जुस्तजू, उनकी मेहनत की वजह से पहली स्कीम कामयाब हुई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आज जो दूसरी स्कीम का आगाज हो रहा है वो भी कामयाब रहेगी। कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कामयाबियाँ ऐसी हासिल नहीं होती हैं, कामयाबी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। पहली स्कीम जब हुई थी, मैं इसी स्टेज से अजीम को कहा था, इफ्तिदा तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शानदार इफ्तिदा हुआ है, शानदार इफ्तिदा के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी और शानदार तरीके से ये पूरी स्कीम को कामयाब करना होगा। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ये एक दो मेंबर का मामला नहीं, 499 मेंबर्स की स्कीम है, इसमें किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
जो वादा करते हैं वो वादा को पूरी तरह से मुकम्मल करना होगा। ये कमिटमेंट के साथ, ये ट्रस्ट के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ अगर आप स्कीम चलाएंगे तो ये एक स्कीम दो स्कीम नहीं होगी, आने वाले दिनों में 3, 4, 5, 6 ऐसे स्कीम कामयाब होते रहेंगे। तो मैं ये पहले प्रोग्राम में कहा था, तो आज भी मैं वही कहना चाहता हूँ शेख अजीम साहब को और उनकी तमाम टीम को कि कस्टमर जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं कस्टमर से भी मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आपको ट्रस्ट मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कमिटमेंट अगर मिल रहा है तो उसी तरह से आपका जवाब भी उसी तरह से आना चाहिए। आपने जो उनको सहारा दिया है, उनको जो उनकी जो हिम्मत अफजाई की है स्कीम को कामयाब करकर, उसके लिए मैं तमाम मेहमान को दिल की उम्मीद कह रहा हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अजीम साहब को भी इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितने लोग 499 लोग जो आप पर एतमाद करे, उस एतमाद पे आप खड़े साबित हुए और लोगों का एतमाद हासिल किया। एतमाद हासिल करने के बाद फिर भगवान ने आपको जो है ना इसरार किया कि उसी तरफ पे एक और जो है ना स्कीम चलाए, तो आप जो है ना दूसरी स्कीम भी अवाम के इसरार पर चालू किया है। और जो साबित है स्कीम में जो मेम्बरान आपके साथ एक साथ जो है ना पाबंदी वक्त अदा किए हैं, उनके लिए जो है ना आपको बेहतरीन एक नमूना पेश किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए और आने वाले मेम्बरान के लिए कि अगर आप भी एक साथ जो है ना सही अंदाज में बढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आपको भी जो है ना इसी तरीके से जो है ना नवाजा जाएगा, आपको भी जो है ना ये तमगे वगैरह दिए जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अजीम साहब और उनकी टीम को, इंशाल्लाह उनको ये और एक बार ये जो स्कीम नहीं आज यहाँ पर इफ्तिता हो रही है, यहाँ पर सैयद मजहब हुसैन एडवोकेट साहब, जनाब जावेद खान साहब, जनाब यूसुफ साहब, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये अजीम साहब की स्कीम कामयाब हो और इसमें इनकी और इनकी टीम को कामयाबी मिले। आज इनोवेटिक मोटर्स की जो स्कीम है उसमें सभी डेलीगेट्स शामिल हैं, तो मैं जसवीर सिंह, सिंगर एंड बिजनेसमैन, इनोवेटिंग मोटर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी बहुत सारी स्कीम निकालें और उसमें कामयाबी अल्लाह ताला, वाहेगुरु, भगवान खुदा उनको कामयाबी बख्शे और स्कीम से सबका फ़ायदा हो। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं अजीम शेख साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से यानी साफ़ और शफाफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के तौर पर यहाँ पर स्कीम को चलाया और स्कीम टू में भी उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर लॉटरी के ज़रिए स्कीम का इनॉग्रेशन किया उसमें भी बहुत मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई। तो मैं उन्हें फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि ऐसे स्कीम्स को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। हमने कई एक ऐसे स्कीम देखे हैं गुलबर्गे में जो आधे ही में कई एक स्कीमों का दिवाला निकल गया, लेकिन यहाँ पर स्कीम वन को अजीम शेख साहब ने बहुत ही कामयाबी के साथ चलाया और फिर स्कीम टू का भी उन्होंने यहाँ चलाने का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, वो बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। आज इनोवेटिक मोटर्स हमारे अजीम भाई, मैं समझता हूँ इससे पहले भी एक दो साल पहले एक स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किए हैं, आज एक नया स्कीम लॉन्च किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जिस तरह से स्कीम्स ला रहे हैं वो आवाम को बहुत ज़्यादा, उनके जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से वो आवाम के और ख़ुद के भी तरक्की के लिए इस तरह से स्कीम्स लाते रहें और गुलबर्गा शहर के आवाम को फ़ायदा भी मिले और ख़ुद भी तरक्की करते रहे। शुक्रिया।